मीडिया पर प्रियंका गांधी पर की जा रही अशोभनीय टिप्पणी को लेकर आज महिला कांग्रेस पहुंची एसपी कार्यालय। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनाए जाने से बौखला गई है, जिस कारण वो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी कर रही है। इसी की शिकायत को लेकर आज महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंची है एसपी कार्यालय। संबंध में फेसबुक पर अवांछनीय फोटो डाले जा रहे हैं एवं ट्विटर पर अपहरण किए जा रहे हैं। अवांछनीय फोटो के स्क्रीनशॉट का प्रिंटआउट पत्र में संलग्न है, अतः ऐसे कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 1860 के तहत धारा 509, 499, 501, 354 और 294, 66A, 67A के तथा RTI एक्ट 2000 के तहत विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए हमारी राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जो अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुई हैं और महासचिव बनी हैं, उनके भय से जैसे ही वो कांग्रेस में आई हैं, उनके भय से पूरा जो दिल्ली की सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, केंद्र में बैठी जो सरकार है, वो भयभीत है। और उनके बारे में फेसबुक पर, ट्विटर पर अनग्र, मतलब इतनी गंदी एक अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है जो हर महिला के लिए एक निंदनीय है। और हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के आदेश के अनुसार हमने एक ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से ये फेसबुक पर चल रहा है, ट्विटर पर चल रहा है, तो उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ IT तहत के अंतर्गत FIR दर्ज की जाए। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर इन लोगों ने FIR दर्ज नहीं की तो हम लोग उसके खिलाफ जो भी हमारा आदेश होगा ऊपर आंदोलन करेंगे।